हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो बेसिकली इस पे होने वाला है कि कैसे आप आर्डिनो आईडीई में नोट एमसीयू जो बोर्ड होती है उसको आप कैसे उसको इंस्टॉल कर पाएंगे। सो बेसिकली आपने ऐसा देखा होगा कि जब आप आर्डिनो आईडीई को ओपन कर लेते हैं और जब आप नोट एमसीयू को आप जब अपने सिस्टम में लगाते हैं तो उसमें आप कोडिंग नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग उसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि उसके बोर्ड को आप कैसे आर्डिनो आईडीई में ऐड कर पाएंगे। सो बेसिकली आर्डिनो आईडी के बारे में जान लेते हैं। वो बेसिकली एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन मतलब सर्वर का यूज करते हुए आप अपने डिवाइस पर जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, कुछ भी हो जाए, आप उसको कहीं और से कंट्रोल कर पाएंगे, उसे ऑन ऑफ कर पाएंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस को आप कर पाएंगे बाय यूजिंग द सर्वर। ओके, सो बेसिकली हम लोग उसको देखने वाले हैं कि आर्डिनो आईडी में नोट एमसीयू बोर्ड को आप कैसे ऐड कर पाएंगे। सपोज मैं चाहता हूँ टूल्स पे, तो यहाँ पे आर्डिनो आईडी है, आर्डिनो उनो है ना। तो इसमें आपको नोट एमसीयू कहीं नहीं मिलेगा, है ना, इसमें नहीं है अवेलेबल अभी, क्योंकि ये वाला जो बोर्ड है वो हमारे नोट इसमें आर्डिनो आईडी में ऐड नहीं है। तो इसके लिए आपको बेसिकली क्या करना है, मैं ये लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको इस लिंक को कॉपी कर लेना है। देन आफ्टर आपको जाना है फाइल्स पर, फाइल्स पर आने के बाद आपको प्रेफरेंस पर आना है और एडिशनल बोर्ड मैनेजर यूआरएल आपको इस पे इस यूआरएल को कॉपी पेस्ट कर देनी है। जो मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैंने इसी को सिंपली मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देन आफ्टर ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है टूल्स पर, बोर्ड पे, बोर्ड मैनेजर। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली ESP8266 को सर्च करना है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इसको, है ना। तो यहाँ पे ये आ गई ESP8266। आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कर देना है। तो क्या होगा, नोट एमसीयू का जो बोर्ड है वो आपके आर्डिनो आईडी में इंस्टॉल हो जाएगा। सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इसको कंप्लीट इंस्टॉल होने देते हैं। यहाँ पे आपकी इंटरनेट की स्पीड अगर अच्छी है तो फास्ट इंस्टॉलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, अगर इंटरनेट स्लो है तो वो स्लो हो पाएगी।
सो इंस्टॉलेशन आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड। सो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इंस्टॉल्ड आ रही है अब, है ना। तो आपकी क्या हो गई, ESP8266 बोर्ड हमारी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है सिस्टम में। अब जब आप टूल्स पे जाएंगे, तो जब आर्डिनो बोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे 8266 बोर्ड आ चुकी है। तो जो नोट एमसी होती है वो नोट एमसी 1.0 ESP12E मॉड्यूल जो मेरे पास फ़िलहाल है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो ये वाली बोर्ड सक्सेसफुली ऐड हो गई है। अब मैं इस पॉइंट पे मैं इजिली प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ और प्रोग्राम इजिली अपलोड भी हो पाएगी। तो इस पर देखिए अभी ये यहाँ पर नोट एमसी आ चुका है आपका। अभी कोई भी बोर्ड नहीं लगी है सिस्टम में, इसलिए उसका कोई भी पॉइंट यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप करता हूँ कि आपको यह समझ में आया हो कि कैसे आप नोट एमसी को अपने आर्डिनो आईडी में इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके।